ये है दिल्ली दर्पण दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। बिग बॉस 11 के पहले नॉमिनेशन के बाद तीसरे दिन माहौल में कुछ बदलाव आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आया। शुरुआत बेशक चक धूम धूम के गाने से हुई, लेकिन फिर लड़ाई झगड़ों का धूम धड़ाका भी खूब हुआ। देखते हैं तीसरे दिन किसकी किससे लड़ाई हुई और क्या रहा खास बिग बॉस के तीसरे दिन में। तीसरे दिन की सुबह के लिए चुना एक मस्ती भरा गाना, जैसे कि दिल तो पागल है फिल्म का गाना चक धूम धूम बजा। घर वाले और पड़ोसी दोनों ने ही इसका खूब मजा लिया। सब जब एक साथ डांस कर रहे थे तब लग रहा था कि आज का दिन आपसी दोस्ती और साझेदारी में बीतने वाला है, लेकिन बिग बॉस के घर में दोस्ती और शांति हो जाए ऐसा कैसे हो सकता है। और नींद से पूरी तरह जागते ही शायद कंटेस्टेंट को भी ये बात समझ आ ही गई। तीसरे दिन बिग बॉस ने कंटेस्टेंट को उनका पहला टास्क दिया। उन्हें एक फार्म पर काम करना था। उनका पहला मेहमान था एक गधा। उन्हें उसे खाना खिलाना था, नहलाना था और अपने साथ ही रखना था। गधे के साथ जो सबसे कंफर्टेबल नजर आए वो थे आकाश। उन्होंने गधे को जैक कहकर बुलाना शुरू कर दिया। इस टास्क में बंशा ने भी उनकी मदद की, फिर भी घर वाले इस टास्क में पड़ोसियों से हार गए। गधे के अलावा दूसरा टास्क सामने आया एक टैंक से दूसरे टैंक में मछली को ट्रांसफर करने का। जुबैर ने इस चैलेंज को लिया और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा भी किया और घर वालों के लिए टास्क जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने अपनी मिमिक्री से घर वालों को खूब हंसाया भी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर